गुणी सुखी राम है। 1850 में इस आसपास हुए, उनकी कविता पढ़ के देखो कितने विद्वान बोल, कितने विद्वान उनके बोल बताते हैं। पंडित नेत्राम जी कितने कवि हुए। और थारियाले का एक और सुना दूं ले, और बोल सुनो, बोल बोल सुनो क्या कहा। थारी गाणी भी तान को अगले का गाणिया का पसीना हो, नंदलाल की गाण बनी हो शान नहीं है। अरे सुनो सजन जन गुण लकड़ी बन चले, क्या बोला क्या कविता है, कहां बुद्धि गई होगी। अरे सुनो सजन जन गुण लकड़ी बन, अरे छोले खा जा से, सुनो सजन गुण गुण लकड़ी बन छोले खा जा से, सुनो सजन गुण गुण लकड़ी बन छोले खा जा से। ना भरे उमर भर जखम सोख दित बोली खा जा से, ना भरे उमर भर जखम सोख दित बोली। सुनो सजन जन गुण लकड़ी बिन छोली खा जा से, ना भरे उमर भर जखम शोक की बोली खा जा से। तोड़ देखियो चुकर चुकर मिलाए है पहली कली में। गांव का मुखिया बोल रहा था, मत क्या अड़की बात कही होगी। ओ नाम तो के लियो वो कुण का था बड्डा, और उनका ब्यो था थोड़ा, मानस थे घने। एक वो पहलवान ने कह था उन्हें सोची यार सारे कुण बिना काम पा जाए, ऐसा धंधा ठा जो समाज में इज्जत हो जा। उन अटपट कर करनी उन्हें उन पीछे जोड़ के पट्ठा ला दिया। पाए पर गंठा फोड़ के खानिया खेत में जमा खेत को पट रहा लिख रहा। उन्होंने सोचा इनकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। एक मिनट उनके दौड़े कुर्ते पजामे क्षमा दिए सारे कुंबे के। अपना काकार एक बड़ा भाई था,
वे भट्ठे पर छोड़ दिए। नहीं बोला काका तन्ने अरे इस भाई ने अड़े भट्ठे के अड़े दफ्तर पर रहना था, यो चौकीदार से धरा हुक्का भरेगा, दोनों रंडे ब्याह हो नहीं रहा। उन्होंने सोचा सारे लपेट दूंगा रोजगार सा हो जाएगा, तो दौड़े पर आकर दफ्तर में बैठा दिए। वो जब भी मौका लागूंगा काका तो चले जा कुमार आड़े उसमें छप्पर में, और उगा भाई जाऊड़ा बिहारियां आड़े छप्पर मर पहलवान आओ देखा कि बेटिया कड़ गए रहे कड़ गए। फिर वो बताओ बोले वो तुड़ जा रहा था वो उड़ा उन्हें फिर काट लिया, वो फिर ने शर्मा लो पछलो अड़े दफ्तर पर बैठो थरी अड़े ड्यूटी है, फिर बैठा जाओ बेचारा फेर की धन्य उन्न अपनी लेबर लेबर जोड़ो और काम जोड़ो आवो इतना फेर कदे वो भाई पाव कुमारा में वो पाउड़ा लेबर में पथेरिया में एक दिन अब बैठा कर दोनों आग लग गया मारना। और गांव के थे नहीं बोले क्यों मारा है, नहीं बोले आराम खोरान ठेकेदार बनाऊ लेबर में बड़े भाज भाज लेबर में ठेकेदार ना बनया जाता, मतलब ठेकेदार बनाऊ था लेबर में क्यों बड़ा 200 रुपया के मतलब होया, मैं ठेकेदार बनाऊ लेबर में बड़े भाज भाज मेरे यार कर रहे शाबाश हाँ भाई सरपंच की अगली गली में आओगे क्या लिखा दूसरी गली में देखो भाई कविता नहीं बता देगी मानस की साधा था थे तो आई थे आई आई मैं नहीं कहता कविता कैसे थे के बोल लिख रखा है दूसरी गली में Thank you.
कुटनी बुरी जगत में हो से कुटनी शब्द लगाया है। कुटनी का अर्थ है वैश्या। इब कुटनी बता रहे कौन जाना है दंगल में तम तो जानते हुए घर की बात से ना तो कुटनी ने बता कौन जाना है जैने न्यू क्या देनिया चल गया। अरे वैश्या बुरी जगत में हो से अपने हम जो लिखा जा से ना भरे उमर भर जखम शोक किन बोली खा जा से वो ना भरे उमर भर जखम शोक सुनने को मिली है। बोला दादा लक्ष्मी चंद के छारा गांव में सांग थे और उड़े दादा नंदलाल जा रहा था उसके भजन थे। रात में भजन होते दिन में सांग होता। सांग में से जज मानस घट गए मानस को मान लगे। दादा ने बोला रे के बात से दिन पर दिन घटते आओ से मानस के बीमारी रहे। उड़ा उछार या ने बता दी बोला दादा एक बागड़ी बजनी आ रहा है और तू तो कहना है तंगा तेरा ठहर ऐसे दस पंद्रह मानस है उधर तीन चार मानस है और ईशा रंग जमावे हैं सारा गांव रात ने भजन सुन जा से लिया भाई थोड़ी देर सुन जाएंगे फिर सांग देखांगे वो ईशा रंग बंद है ईशा समाज बंद है उड़े तो गांव तो उठाया ना जाता। फिर वे दिन में पढ़ के सोचा है सांग में घटते हैं उसे बोलिया ईशा बागड़ी कौन भजनी से भाई नु कह दादा लक्ष्मीचंद भी सुनने गए और सुनकर आज ने बोला भाई तड़के सांग में तुम जरूर आइए। ऐसा कहते हैं मंच पर खड़ा करके दादा लक्ष्मीचंद ने प्रशंसा की दादा नंदलाल की और मंच पर सम्मानित किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और दादा नंदलाल जी ने उनका सांग देखा। दादा नंदलाल जी भी दादा लक्ष्मीचंद से प्रभावित हुए और वह प्रभावित हुई और बात आड़े भजना में मिला दी चौथी कली में कही के कही Yeah.
अरे बोल दादानंद लाल की, अरे बोल दादा लक्ष्मी चंद की। ना भरे उमर भर जखम शोक की ना बोली खा जा से, ना भरे उमर भर शोक की ना बोली खा जा से। सुनो सजन सुन लक्ष्मी चंद छोली खा जा से। बोली खा जा से, बोली खा जा से, फिर बोली खा जा से। ना भरे उमर भर जखम शोक की ना बोली।